जय श्री श्याम। मैं प्रोफेसर पवन कुमार गोयल एकेडमिशियन प्रज्ञान फाउंडेशन की तरफ से जो चैनल है राजस्थान लाइव स्टडी का, उसके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ और उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सीकर जिले के अंदर एक फलसाना कस्बे में है, जहाँ पर आपका कोचिंग है, जिसका नाम है आपका राजस्थान कोचिंग क्लासेस एंड डिफेंस अकेडमी। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई दिया जाता है, अच्छी अच्छी एजुकेशन्स प्रोवाइड की जाती हैं, कम्पटिशन्स को लेके यहाँ बच्चों को बताया जाता है और उन पर बच्चों पर मेहनत किया जाता है। और काफ़ी टाइम से जो है बच्चे इस चीज़ का क्लासेस का फ़ायदा उठा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश को नौजवान जो दे रहा है, वो ये एक ऐसा एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपका एजुकेशन के मामले में भी है और आपका दूसरा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के मामले में भी है। देखा जाए, जो मुझे पता चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, कि राजस्थान और यूपी और हरियाणा में एक फैमिली जो अब विलेज से बिलोंग करती है, उसकी शान है बच्चे का फोर्स में जाना। बिल्कुल सही बात है, वाकई में शान होती है। एक फ़ौजी आदमी की जो लाइफ स्टाइल है, या अपने माँ बाप जो माँ बाप अपने एक बच्चे को, कम से कम उनके सपोज चार बच्चे हैं, एक बच्चे को फौजी बनाना चाहते हैं, ये वाकई में उनकी बहुत बड़ी महानता है और होना भी चाहिए सभी को और करना भी चाहिए। तो वहाँ पर भी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या कहते हैं, उसमें सहयोग करता है। इसके द्वारा बच्चे जो पढ़ते हैं वो आपके एयरफोर्स में, आर्मी में, BSF में, CASF में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, और आपका क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस में, और वन विभाग में पटवारी की पोस्ट पर काफ़ी जगहों पर लग गए हैं, काफ़ी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इनके जो निर्देशक हैं राम सिंह जी, उन्होंने मैंने उनको कुछ निर्देश दिए, उनको बताया और उन्होंने पालन किया। आज ये इंस्टीट्यूशन शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत आगे निकल चुका है और इसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। उस संकट घड़ी से जब ये निकले, तो आज इस संकट घड़ी से निकलने में कोई इनको परेशानी नहीं होगी। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से अनुरोध है कि जो इस कठिन समय को समझें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और इस समय से निकलने की कोशिश करें। और इसका चैनल जो है, क्या कहते हैं, आपका जो है लाइव जो है वो राजस्थान लाइव के लाइव स्टडी के नाम से है, आप इसको ज़रूर देखें और लाइक करें।